नमस्कार, आज का वीडियो ज़रा ख़ास है। आज एक कंट्रोवर्सी पर हम बात करेंगे, बाबा रामदेव वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये दरअसल बाबा रामदेव वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आयुर्वेद और एलोपैथ की भी लड़ाई है। जबकि होना ये नहीं चाहिए था, होना ये चाहिए था कि सारी जो थेरेपीज़ हैं, सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो साथ मिलकर के हैंड्स टुगेदर करके मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ती। लेकिन जैसा कि होता है कि हर चीज़ के बीच में विवाद पैदा करना और उसमें एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट को समाहित कर देना और फिर उसका पॉलिटिकल लाभ लेना और उसके बाकी के कंपोनेंट्स को आगे नर्चर करना, ये इस देश की एक आदत सी होती जा रही है। लोकतंत्र के नाम पर हल्ला, लोकतंत्र के नाम पर विवाद, सर्वत्रता के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर देश की मौलिकताओं के साथ छेड़खानी और एकता के नाम पर भारत के विखंडन को लेकर के यहाँ पर्याप्त चर्चाएँ होती रहती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा रामदेव बाबा के पीछे की जो कंट्रोवर्सी है वो है क्या। दरअसल पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य की नीति रीति है, तौर तरीके हैं, वो एलोपैथी लीड करती है और एलोपैथी को ही मुख्य चिकित्सा पद्धति माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, मुख्य धारा में मुख्यता से जिसको मानता है वो एलोपैथी है। और उसके बाद जितनी भी थेरेपीज़ हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एट्सेट्रा, या कोई कॉन्टिनेंटल थेरेपी हो, कोई रीजनल वर्नाकुलर थेरेपीज़ हो, जिनको थोड़ी बहुत मान्यता मिली भी है, तो उनको अल्टरनेटिव थेरेपी कहा जाता है, यानी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। आज जब इस पर बात होती है तो यहाँ आयुर्वेद वर्सेस IMA नहीं है, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी है। बाबा रामदेव वर्सेस IMA नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा वांग्मय है, बड़ा चिंतन है। समझने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि WHO किसी भी थेरेपी को जब अल्टरनेटिव कहता है तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्टेपनी का मतलब होता है जो रिलायबल बहुत हो ना हो या आवश्यक नहीं है, मतलब मैन पहियों की तरह उस पर रिलायबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती। तो एक जो रिलायबिलिटी की बात है, जो विश्वसनीयता का जो एलिमेंट है, वो खुद ब खुद इस एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के ज़रिए उसमें पेनेट्रेट हो जाता है। उदाहरण के लिए कि जब भी भारत की कोई भी एजेंसी जो WHO के साथ कम्युनिकेशन करती है, स्पेशली स्वास्थ्य के नए शोधों के मामले में या स्वास्थ्य की नई अधोसंरचनाओं के मामले में या स्वास्थ्य की नई रणनीतियों नीतियों के मामले में जब भी कम्युनिकेशन करती है, तो उस कम्युनिकेशन में मुख्य जो बात होती है वो एलोपैथिक बात होती है। यानी आप देखिए, भारत में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का है, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर CHCs, PHCs, MBBS, MD जो भी होते हैं, या मेडिकल एजुकेशन जो है सर्वाधिक कठिन जिसमें एडमिशन होता है, वो सब तमाम चीज़ें एलोपैथ ही उसको लीड करता है। इसकी वजह है, ठीक है, एलोपैथ का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, एलोपैथ कोई विरोध की चीज़ भी नहीं होती। ये मूर्खताएँ होती हैं कि आप किसी के ज्ञान को कहीं का बता करके और किसी के ज्ञान का विरोध करें, ये सर्वथा जो हैं बेवकूफ़ियाँ हैं, ये मानवता के हित की नहीं है चीज़ें। इसलिए ये आवश्यक है कि इनमें एकता का सुर होना चाहिए, इनमें एक सबके साथ मिलकर के एक कॉमन थेरेपी के रूप में इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एलोपैथी का जो पूरा डिसिप्लिन है वो इंटरनेशनली गवर्न है, इसकी वजह से उसकी मान्यताएं सर्वाधिक सब देशों में है, मुख्य धारा की चिकित्सा मानी गई है, क्योंकि उसमें शल्य के मामले में बहुत आगे हुआ है, सर्जिकल जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे अंग के अंग प्रत्यंग प्रत्यारोपित हो जाते हैं, ये सब चीज़ें दूसरे थेरेपीज़ में उतने लेवल पर नहीं है। होता ये है कि WHO इसको मुख्य धारा की थेरेपी मानता है, इसकी वजह से जो भी फंडिंग होती है, जो भी नीतियाँ बनती हैं, जो भी शोध होता है, वो मुख्य धारा में अधिक होता है, इसलिए ये उन्नत कर गई है। बाकी के जो थेरेपीज़ हैं, चाहे यूनानी हो, चाहे होमियो हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे और जो तमाम तरह की थेरेपीज़ होती हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एट्सेट्रा, इनके भी अपने दावे हैं, लेकिन इनमें शोध नहीं होने दिया जाता। ये एक डिप्लोमेटिकली दुनिया भर का एक कुचक्र है कि आप अल्टरनेटिव, पहली चीज़ तो इनको अल्टरनेटिव कैटेगरी में रखो, अल्टरनेटिव कैटेगरी मतलब नॉन प्रायोरिटी में रखोगे आप, तो इसमें फंडिंग भी नहीं करेंगी स्टेट की, पर्टिकुलर राज्यों की, पर्टिकुलर देशों की सरकारें,
और इस पर शोध भी नहीं हो पाएगा। जब फंडिंग नहीं होगी तो इसमें करियर भी नहीं होगा, करियर नहीं होगा तो शोध भी नहीं होगा, शोध नहीं होगा तो नया कुछ मिलेगा भी नहीं, नया नहीं मिलेगा, साथ ही साथ जो कुछ मिला हुआ है उसके संरक्षण के लिए भी वो एक तरह का स्मारक टाइप का बन जाएगा कि हम कोई पुरानी सी पद्धति है उसको जिंदा करने के लिए चार पाँच दुनिया देश के अंदर कोई कंधे हैं जिन पर वो लटकी हुई और जी रही है। संकट ये है, यहाँ पर जो रामदेव बाबा ने शुरू की है बातचीत, जो IMA की तरफ से बातचीत आ रही है, इनमें मुख्य रूप से ये कोई झगड़े की बात नहीं है, लेकिन ये चाहती है सरकार, इसके पीछे संघ है बाबा रामदेव के पीछे, वो ये चाहता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव को कोई महत्व नहीं देना चाहती, सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहती ताकि एलोपैथ फले फूले, एलोपैथ बिल्कुल फले फूले, इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एलोपैथ कोई निष्क्रिय विधा नहीं है, ना ही ऐसी कोई पद्धति है जिसका विरोध होना चाहिए, एक बहिष्कार होना चाहिए, ये अलग बात है। उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शनरी जो चीज़ें हैं वो एलोपैथ में होती हैं, एक दवा देंगे दूसरी दूसरी मर्ज के साथ, वो मर्ज को ठीक करेगी, एक नया मर्ज देकर जाएगी, गिफ्ट एंड गिफ्ट है, गिव एंड टेक टाइप का। तो लेकिन फिर भी बावजूद इसके सबके, ऐसा सब सभी शरीरों के साथ हो ये आवश्यक नहीं है, फिर भी ये सब चीज़ों पे नहीं विचार करना चाहिए, बल्कि विचार इस पे करना चाहिए कि हम आयुर्वेद को मुख्य धारा में कैसे लाएं, हम यूनानी को मुख्य धारा में कैसे लाएं, हम होम्योपैथी को मुख्य धारा में कैसे लाएं। तो इसके लिए ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, एक कंट्रोवर्सी तैयार की जा रही है, ताकि भारत की जो स्वास्थ्य अधोसंरचना है उसकी प्राथमिकता की तरफ ये बढ़े, आने वाली सरकारें भी इसमें फंडिंग करें, बजटिंग करें, शोध R&D पर इस पे काम हो, इसके इंस्टीट्यूशंस की महत्व बढ़े और इसके एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ निवेश किया जा सके और प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज और जो है यूनानी कॉलेज, इनकी यूनिवर्सिटियां, इनके कॉलेजेज की तरफ उन्मुक्त हो, लोगों का रुझान बढ़े, एक बार चर्चा हो, ताकि देश के अंदर एक माहौल बने कि आयुर्वेद से बहुत सी बीमारियों का समाधान इलाज हुआ है। ये बात अलग है, इसके लिए पूरी कंट्रोवर्सी को हवा दी गई है और इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मोटिव है वो कोई BJP या कांग्रेस को नुकसान और BJP को फ़ायदा नहीं है, उसका मोटिव है भारत को फ़ायदा। भारत को फ़ायदा का मतलब ये है कि भारत की जो अपनी पारंपरिक पद्धतियां हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, वो मुख्य धारा में आना चाहिए और उनको आने के लिए कोई एक बार इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी करनी पड़ेगी, तुलनात्मक कंपैरेटिवली बातों को खड़ा करना पड़ेगा। इसकी आड़ में ही स्वदेशी और विदेशी का मामला भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि एलोपैथ का जो पूरा जो मेडिसिनल पार्ट है, एलोपैथ का जो इक्विपमेंटल पार्ट है, जो बायोटेक टेक इक्विपमेंट्स हैं, एलोपैथ का जो सारी चीज़ें संरचना है, उसमें विदेशों का, विदेशी कंपनियों का बोलबाला है। भारत भले ही फार्मास्यूटिकल्स में बहुत आगे है लेकिन उसका रॉ मटेरियल चीन देता है, तो इस वजह से फार्मास्यूटिकल्स को भी नर्चर करना है। फार्मास्यूटिकल कोई पर्टिकुलर एलोपैथ नहीं होता, उसमें आयुर्वेद की दवाएं भी समाहित हो जाएंगी तो उनको कोई बात नहीं पड़ेगी, यहाँ से वहाँ वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। इसको अल्टरनेटिव क्यों कहते हैं? आज बाबा रामदेव को लेकर के हो सकता है आप में हम में कुछ ये क्रोध हो और कुछ लोग ये कह रहे हों कि FIR होनी चाहिए, वो देशद्रोह कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है उनके अंदर तो वो कर रहे हों उसकी जाहिरगी, ये अलग विषय है। परंतु यहाँ एक पॉइंट समझने वाला, बहुत साफ साफ बहुत अच्छे से बारीकी से इस बात को समझना पड़ेगा कि बाबा रामदेव ने जो है एक नए विषय पर जिस तरह चर्चा शुरू की वो बहुत आवश्यक है। सालों से आप एलोपैथ की जो पूरी संरचना है वो आयुर्वेद को और यूनानी को, होम्योपैथी को झोला छाप कैटेगरी में रखते रहे हैं। इनकी कॉन्फ्रेंसेस देखिए आप, इनके सेमिनार्स देखिए आप, जिसमें डॉक्टर्स जाते हैं और वहाँ जो कुछ की जाती है, किया जाता है, वहाँ एक क्लियर बात ज़रूर होती है कि यू आर ओनली द बेस्ट डॉक्टर, यू आर ओनली द बेस्ट फिजिशियन, रेस्ट ऑफ ऑल योर एसोसिएट और योर कॉम्पिटिटर, यू आर अ सुपीरियर।
तो ये सुपीरियरिटी डॉक्टर्स के अंदर, एलोपैथ डॉक्टर्स के अंदर वहाँ से इंजेक्ट की जाती है, और उस सुपीरियरिटी को वो फील्ड में जब आते हैं तो उसको ढालते भी हैं। आप देखिएगा, जब गांव में काम करने की बात होती है तो एलोपैथ डॉक्टर जाने तैयार नहीं होते, नीतियाँ बनानी पड़ती, कानून बनाना पड़ता है कि आपको 2 वर्ष कम से कम गाँव में रहना पड़ेगा, उसके बावजूद वो 2 वर्ष कैसे कटता है ये भी सब जानते। मेरा कहना ये बिल्कुल, मैं इसमें सहमत रही हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती पुश करो और रूरल में और बीहड़ में भेजा जाए, परंतु मैं ये मानता हूँ कि आपका ज्ञान, आपका जो भी आपके पास गुणवत्ताएं हैं, कौशल हैं, वो तब तक श्रेष्ठ है जब तक मानवता के बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से काम आ रहा हो जो कि आना चाहिए, यानी निश्चल ढंग से आ रहा हो, सेवा भाव से आ रहा हो, तब तक वो बड़ी अति श्रेष्ठ है। लेकिन जैसे उसमें एरोगेंस जुड़ता है तो अश्रेष्ठ हो जाता है। यानी सालों से आप आयुर्वेद को झोला छाप कैटेगरी में डाल के रखते हो, यूनानी को झोला छाप कैटेगरी में डाल के रखते हो, होम्योपैथी को झोला छाप मान के चलते हो और कुप्रचार दुष्प्रचार खूब करते हो आप इसके खिलाफ, तब तक कोई तकलीफ नहीं होती। किसी IMA के खिलाफ या किसी एलोपैथ के खिलाफ कोई FIR की बात नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक पक्ष धराता, मैं कहता हूँ वो भी गलत है, बाबा रामदेव सही नहीं, बाबा रामदेव भी गलत हैं और वो लोग जो थे वो तो गलत हैं ही हैं, दोनों गलत हैं, लेकिन जब कार्रवाइयों की बात होती है दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप इसमें नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर करें, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। और प्लीज़, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।